नाज़रीन, हमारा मिशन प्रोग्राम आप देख रहे हैं नेहा जूलियस के साथ। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट जदीद ज़राइत, माहौलियाती और पानी के इश्यूज़ पर, और इसके साथ साथ मेडिकल हर्ब्स पर भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर नजीब चुगताई, कैसे हैं आप? I'm fine. जी डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हालात के बारे में कुछ बताइए कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, फिर आप कैसे डॉक्टर बने? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच एमटीवी का, बहुत शुक्रिया। मेरा जो बचपन है वो सारा बाहर गुजरा, सऊदी अरब में गुजरा, और वहाँ से फिर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। अर्ली एजेस में मैंने तकरीबन 50 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया, और बाय रोड ट्रैवल किया, बाय एयर ट्रैवल नहीं किया। तो वो बाय रोड ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैंने नेचर को बड़ा क्लोजली वॉच किया, बिल्कुल आमने सामने, कि जिस तरह हम ये समझ लें कि हम बड़े बड़े शहरों से फ्लाई करते हैं और बड़े बड़े शहरों में लैंड कर जाते हैं, और फिर वहीं से फ्लाई करके तो वापस आ जाते हैं, और हम कहते हैं जी हम फ़लां मुल्क को घूम के आ गए, फ़लां मुल्क को ट्रैवल किया, लेकिन उसका असल कल्चर जो है वो आपको रिमोट एरियाज़ में, गांव में ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क के गांव हों, उनका असल कल्चर आपको वहीं पे मिलेगा। सो आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने वो एक सरहद से निकलते हुए जब हम दूसरी सरहद में एंटर होते थे किसी दूसरे मुल्क की, तो कल्चर की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती थी कि यहाँ पे एक जस्ट अ किलोमीटर अवे एक और कल्चर चल रहा है, और जैसे हम किलोमीटर के बाद गए हैं तो वहाँ पे कल्चर कुछ और है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस की, जो कॉमन थी, वो मोहब्बत थी, कि जिस मर्जी मुल्क में चले गए हैं, शहरों में वो मोहब्बत नज़र नहीं आती, शहरों में सब कुछ नकली और इमिटेटेड होता है, लेकिन जो वहाँ के भी जो गांव थे वहाँ पे एक नेचुरल लव था, नेचुरल लव था। वहाँ पे हम किसी का भी नॉक करके दरवाज़ा, अगर हम कहते थे जी हमें भूख लगी है, चाहे हम ज़ुबान समझते थे या नहीं समझते थे, लेकिन इशारों की ज़ुबान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी होती है, तो हम लोग उनको बताते थे अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी कि हमें ज़रूरत है खाना की, या भूख लगी या प्यास लगी है, तो वहाँ पे कोई ये नहीं पूछता था कि कौन आया, दे जस्ट ओपन द डोर, वहीं फ़ौरन खोलते थे। शहरों में नहीं ऐसा होता था, किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, दे आर फियर्ड, मतलब वो साइकोलॉजिकली उनको फियर का पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन गांव का माहौल बड़ा नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल लोग हैं, उनको लोगों से प्यार करते हैं उसी तरह जिस तरह हमारे गांव में प्यार करते हैं, यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह लोगों से प्यार किया जाता है, जो रवायात हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी नज़र आती हैं सारी। एजुकेशन मेरी सारी तकरीबन यहाँ पे, मैं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल में पढ़ता रहा रीगल के पास जो है, उसके बाद फिर हम बाहर चले गए, तो वहाँ पे सऊदी अरब में रियाद में रहे, वहाँ पे पढ़ता रहा पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल में, उसके बाद फिर पाकिस्तान आके बीएससी किया, बीएससी के बाद फिर बाहर चले गए निकोसिया साइप्रस, वहाँ से मैंने फिर अपना आगे फर्दर एजुकेशन जितनी हायर एजुकेशन थी, और पीएचडी मैंने हर्बल साइंस में मैंने वहीं से किया। नेचर से क्योंकि शुरू से लगाव था, मोहब्बत थी, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में भी उतना ही जो है वो लगाव से रहा और उनसियत रही। शुरू में जब सबसे पहले मुझे जब मैं छोटा था, तो हम जब सुबह उठा करते थे घर में, तो हमारी जो वालदा थी वो सेहन में जो लगे हुए पौधे होते थे, एक तो उनको पानी दिया करती थी, फिर उनसे वो ना बड़ी प्यार भरी बातें भी किया करती थी साथ में, जो मेरे लिए बड़ा एक अचंभा होता था कि ये हमसे भी बातें करती हैं और इसी तरह की बातें वो उनसे भी करती हैं। जो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, जस्ट 5 साल का था उस वक्त, मैं 7 साल का, तो मैंने उसे मामा से पूछना, मामा ये आप इनसे बातें क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा बेटा देखो ये जानदार हैं, ये पौधे जानदार हैं, जब मैं आपको प्यार करती हूँ ना तो आप भी मुझे प्यार करते हो, और जब मैं इन पौधों को प्यार करती हूँ तो ये भी मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो कैसे करते हैं, वो तो मूव ही नहीं कर सकते। कहते नहीं, मैं इनको जब प्यार करती हूँ ना तो ये मुझे अच्छे फूल देते हैं, ज़्यादा फूल लगते हैं इनके ऊपर, मुझे रिस्पांस अपनी मोहब्बत का वो इजहार सेंस में शो करते हैं कि ये हमें प्यार करती है अपने बच्चों की तरह, तो हम ज़्यादा फूल देके उस प्यार का बदला रिटर्न कर रहे हैं इस खातून को। वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी, फिर मैंने ट्राई करनी शुरू की, मैंने भी पौधों से प्यार बातें करनी शुरू की, प्यार भरी, उसका वाकई मुझे रिस्पांस मिला। मैं जब उनसे बात करता था तो वो रिस्पांस बैक करते थे, यानी ये जब आप अपनी एफिलिएशन शो करेंगी ना तो पौधा भी आपको रिस्पांस बैक करता है, ज़्यादा फ्रूट दे के, ज़्यादा सब्जी दे के, या ज़्यादा फूल दे के, तो वो अपने जेस्चर को शो करता है, आपके मोहब्बत का इजहार जो है वो आपको गले लगा के या आपसे बात करके तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो इन तीन शक्लों में कर देगा, कि या ज़्यादा फूल देगा, बड़े फूल देगा, खूबसूरत फूल देगा, और ज़्यादा सब्जी देगा अगर आपने सब्जी लगाई हुई घर में, और या फिर फल देगा अगर आपने फल का कोई दरख्त लगाया हुआ। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन जो मेरी बाहर थी
और मेरा जो मेन कंसर्न शुरू से रहा है वो एनवायरनमेंट से, नेचर से रहा है। तो हम लोगों ने जिस तरीके के साथ एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया सनती इनकलाब के बाद, नो डाउट के मुल्कों ने तरक्की की, बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन बनिनो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो यही सनती तरक्की बनी, और खुदा ना करे कि तबाही का बायस भी जो है वो यही सनती तरक्की और आईटी की जो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, यही शायद इसका सबब ना बने। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने बताया कि आपने डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं, वो भी बाय रोड, प्लेन से कितने घंटों का ट्रैवल, कितने दिनों का ट्रैवल कह लें कि कुछ घंटों में कर दिया गया, तो आपने क्या सोचा कि आप बाय रोड इतना ट्रैवल करें, या आप किसी खास मकसद के तहत ऐसा आपने किया? इनफैक्ट शुरू में ऐसा कोई मकसद नहीं था, पहले साल फर्स्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम हम लोग निकले सऊदी अरब से, कुछ दोस्तों ने, हम लोग जब छुट्टियाँ होती थी स्कूल में तो हम लोग रेंट पे गाड़ी लेके तो निकल पड़ते थे, वालद क्योंकि मेरे ब्रिटिश बैंक में थे तो हमें वीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती थी, हमारे पासपोर्ट जाते थे और 5-7-10 मुल्कों के वीज़े लग के आ जाते थे, जो हमने रूट बनाया होता था कि हमने इस रूट पे निकल के जाना है। तो पहले तो हमारा यही था कि चलो यार इन्जॉय करने चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा पहला साल गुजरा और जब हम वापस आए तो देन स्ट्रक हुआ कि यार ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं अपने इन्जॉय के चक्कर में, मैंने जो सीखना चाहता था मैं, ये जो मैं सीख रहा हूँ या जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उनके बारे में तो यार मैंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली। फिर सेकेंड ईयर में हमने प्लान शुरू किया कि सेकेंड ईयर में हम बकायदा पूरा चार्ट बनाते थे कि हमने क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना और क्या कुछ करना है। तो फिर सेकेंड ईयर से जो है ना, उसके बाद जब हम नेक्स्ट ईयर से निकलना शुरू हुए तो अगले फिर जो 5-7 साल हम फिरे सारा घूमे फिरे दुनिया में, तो फिर सिर्फ जो है ना वो नेचर को ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि डेटा को भी कलेक्ट किया कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, और उनका इतना अच्छा जो माहौल बना हुआ है उनके इलाकों में या उनके गांव में वो ऐसे क्यों है। फिर मैंने वो सारा जो है ना सिस्टम अपने जो है वो कंप्यूटर में सेव करता था, मैं बकायदा चार्ट बनाता था जो मैं देख के आता था, वो गाँव के नक्शे बनाता था कि यार इस तरह का गाँव जो है मैं पाकिस्तान में भी जाके बनाऊँगा और लोगों को ये बताऊँगा कि यार जिस तरीके के साथ हम लोग रह रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके के साथ जेन को पॉजिटिवली लेके चलें तो हम अपने गांव की ज़िंदगी को शहरों की ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। हमारे गांव में रिसोर्सेज मौजूद हैं, डोमेस्टिक रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हमें उनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता और ना ही हमें को बता रहा है। सो मैंने फिर ये बेड़ा उठाया कि नहीं मैं जो है ये काम करूँगा, तो उसको मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मिशन बनाया हुआ है और हम लोग इसी तरह हम कर रहे हैं, लोगों को गांव में बताते हैं लोगों को कि आपकी जो डोमेस्टिक जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिविंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आपने जो गांव के नक्शे बनाए हुए हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, एक आम टीवी या एलईडी भी जो है शायद वो नहीं उन गली में गुजर सकती जिस तरीके के साथ बनाया हुआ, अनप्लान्ड बनाया हुआ है। जो चीज़ बाहर मैंने देखी उसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करें कि हम लोग पाकिस्तान में उसको अप्लाई करें, और लोगों का लिविंग जितनी खुली गली होगी उतना दिमाग भी खुला होगा। अच्छा, आपने जो अपनी स्टडीज की हैं ये एनवायरमेंटल साइंसेस पे, या जो आपने रिसर्च किया, एग्जैक्टली जो स्टडीज जो रिसर्च है आपकी, आप इससे हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इनकी डेली लाइफ में काम आ सके? सबसे पहला जो जिस पे हमें काम करने की जरूरत है वो है पानी का इशू। पानी के इशू पे जिस जगह पे हम पहुंच चुके हुए हैं, जिस खतरनाक हद को हम छू रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे कि ऐसी बात हो, लेकिन आइंदा से जो है वो जो लड़ाइयाँ झगड़े घरों में भी होंगे, मोहल्लों में भी होंगे, सोसाइटियों में होंगे, शहरों में या मुल्कों के दरमियान, वो पानी सबसे बड़ा उसका इशू होगा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखा जाए तो 3 हिस्से दुनिया का पानी है और 2 हिस्से पे खुश्की है, तो पानी की कमी कैसे हो सकती है? जी, वो जो 3 हिस्से का जो है ना पानी, वो इंसान की खुराक बनाने के लिए है, अल्लाह ने उसमें जो है वो आबी हयात जो छोड़ी है वो पानी पीने के काबिल नहीं है, उसको ट्रीट करके पिया जा सकता है। अब उसको ट्रीट करने में जितना खर्चा आता है, अगर हम उससे बहुत कम खर्चा कर दें, हम सिर्फ अपने हाथों को धोने के टाइम पे पानी को कम इस्तेमाल करें, आंखें बंद करके टूटी को ना खोल दें, नहाते हुए जब वो ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश हम 5-5 मिनट ब्रश कर रहे होते हैं और 5 मिनट पानी की जो है टूटी वो चल रही होती है, जबकि वो पानी आपके बच्चों की अमानत है, वो पानी आपके घर वाले भाइयों की बहनों की माँ बाप की वो अमानत है, वो एक एक कतरा जो है वो आपके आने वाली नस्लों का अमानत है, हम खयानत कर रहे हैं उसमें, एक एक कतरा हमें बचाना पड़ेगा, इस्तेमाल करते हुए, पीते हुए नहीं, पिए जितना मर्जी उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी, खासतौर पे ब्रश करते वक्त, हाथ धोते वक्त, नहाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, गाड़ियां धोते वक्त, जितना पानी हम ज़ाया कर रहे हैं, आप ये देखें कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए सिवाय तकलीफ अजाब और मौत के हम कुछ भी नहीं खरीद रहे, कुछ भी नहीं कर रहे,
तो जब हम जाएंगे अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे के जाएंगे? तो वाटर इज द मेन इशू। वाटर के इशू को हमने अगर कंट्रोल किया तो फिर एनवायरनमेंट का इशू भी इतना ज्यादा, मतलब वो भी बहुत रेज हो गया हुआ है, लेकिन उसको कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। अब किचन गार्डनिंग के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, इसको अर्बन फार्मिंग भी कहते हैं, किचन गार्डनिंग भी कहते हैं। और जो एनवायरमेंटल इश्यूज पे काबू पाने का जो है, वो आप देखें कि शहरों की आबादी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दरख्तों की तादाद जो है वो कम होती जा रही है, काटे भी जा रहे हैं और फिर उनको नए लगाए नहीं जा रहे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो शजरकारी की मुहिम चलती हैं सालाना दो दफ़ा, बहार में भी और बरसात में भी, अनफॉर्चुनेटली वो इतनी कामयाब नहीं है। जब यानी ये सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जब 1,00,000 पौधा लगाया जाता तो उसमें से शायद सिर्फ 10,000 पौधा सर्वाइव करता। 1,00,000 पौधे अगर लगाएं तो उसमें से सिर्फ 10,000 पौधे सर्वाइव करते हैं, 90,000 पौधे मर जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो मोर्टैलिटी रेट है वो 90% है, जबकि मोर्टैलिटी रेट जो है वो 10% होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ऑनरशिप का रिवाज नहीं है। अब हम जितनी प्लांटेशन करवाते हैं ना, हम उसमें ऑनरशिप देते हैं। जो बच्चा लगाता है पौधे, जो स्कूल पौधे लगाता है, हम उनकी ऑनरशिप में वो देते हैं कि जनाब इसकी आपको पौधा लगाना इशू नहीं है, उसका संभालना सबसे बड़ा इशू है कि उसको बड़ा कैसे करना है। तो पहले 6 महीने जो है वो मुश्किल होते हैं किसी भी पौधे को लगाने के लिए। अगर वो पौधा लगा 6 महीने चल गया, उसके बाद फिर जो है वो ज़मीन में खुद ही अपनी जो है वो खुराक भी लेता है और पानी भी खुद ही वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट को जो सिक्योर करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन को जो है वो, क्योंकि शहरों में ज़्यादा आ गई हुई है, ग्राउंड्स कम हो गए हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गई है और हमारे जो साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन और जो हमारी जो स्मोक और जो दूसरी डस्ट पोल्यूशन है या स्मोक वगैरह जो है, उससे हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। उसका जो बेहतरीन जो है वो रिजल्ट जो है उसका अल्टरनेटिव जो है वो ये है कि आप अपने घरों में सब्जियां उगाना शुरू करें। आपके पास जगह मौजूद है, अगर आपके पास सहन है तो वहाँ पे लगाएं, अगर आपके पास सहन नहीं है तो टेरेस है, टेरेस में लगाएं। अगर आपके पास सहन और टेरेस भी नहीं है तो भाई छत तो है, आप छत पे लगाएं। दुनिया में हर जगह पर ऐसा काम हो रहा है कि छोटी छोटी जगहों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ कैसे लगाई जा रही हैं। दूसरी बात ये होगी कि जब आप घर में सब्जी उगाएंगे तो एक तो ये होगा कि वो तमाम किस्म की कंटामिनेशन से, मिलावट से पाक होगी, ना उसमें पेस्टिसाइड्स होंगे, ना उसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ हुई होंगी। तो नेचुरल फर्टिलाइजर से जब आप एक चीज़ तैयार करेंगे तो आपके लिए वो हेल्दी फूड होगा। एक तो लोकल फूड होगा कि आपने खुद ग्रो किया, दूसरे नंबर पर आपको उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर बाहर की सब्जी खा के आपको नुकसान हो रहा है तो आपके घर की सब्जी खाने से आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो हम इस पर जो है ना, इसको बतौर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट में जो है वो डोमेस्टिक भी है और कमर्शियल भी है कि आप चाहें तो घर में अपने लिए सब्जी उगाएं या चाहें तो आप घर में सब्जी उगा के तो एक्सेस सब्जी जो है वो अपने मोहल्ले में सेल करें। तो ये दो उसमें हमारे पास जो है ना सेक्शंस होते हैं, डोमेस्टिक का भी और कमर्शियल का भी। घर में अगर जगह नहीं हो तो क्या ये सब्जियां आप प्लांट में लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप पॉट्स में लगा सकते हैं, उसको पॉट्स में लगाएं, ट्रेज में लगाएं। आपके घर में जो पुरानी जुराबें हैं, पुरानी जुराबें, पुराने जूते, पुरानी चीजें, कोई भी टूटी फूटी चीज है, आप उसमें हर चीज में लगा सकते हैं। हाँ, और उसमें भी आप फायदा कर रहे हैं माहौल का, क्योंकि जब आप वो चीजें फेंक देंगे तो वो माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आप उसमें से 2-4 किलो 5 किलो सब्जी भी ले लेंगे आप सीजन की। तो बजाय इसके कि आप उन चीजों को जाया करें, जुराबों को जाया करने से ज्यादा, या प्लास्टिक के जो मोटे थैले हैं उनको जाया करने से पहले आप उसमें से 10-15 किलो सब्जी लेके और फिर उनको तब तक वो वैसे डिग्रेड अपना वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, तो तब आप उनको जो है या तो जमीन में दबा दें या फिर अपना उसको। जी डॉक्टर साहब, आपसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन ये ब्रेक का टाइम है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चुगताई, हम इनसे और भी बहुत कुछ जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद हम इनसे जानेंगे हमारे प्रोग्राम के मिशन के बारे में। सो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं MTV, MTV के मकसद मुआशरे से अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए जदोजहद करना, मसीहों के मसाइल की ना सिर्फ निशानदेही करना बल्कि उनका हल तलाश करना, पाकिस्तान के आइन और मसीही कवानीन के बारे में मसीही कौम को वाश आउट करना, पाकिस्तान के कयाम, तरक्की और खुशहाली में मसीहियों के किरदार का तज़िया और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना। डोंट मिस इट, 24 hours a day, 7 days in a week, non-stop broadcasting, only on MTV. तो देखना ना भूलिए।
बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नजीब चुगताई से। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्यों पाकिस्तान में अकलियतों को इतना निगलेक्ट किया जाता है, मतलब एक डिफरेंस किया जाता है। ये डिफरेंस अभी तक, जबकि कंट्री इतनी डेवलप हो चुकी है, लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, एजुकेटेड होने के बाद भी उनकी सोच वही की वही क्यों है इस लिहाज से? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब भी है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल भी है जो मेरी तरफ से आपको है कि अकलियतों को जो है वो उतने हकूक नहीं मिल रहे, तो मुझे ये बताइए कि अक्सरियत को कितने हकूक मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वाला, रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे हैं, कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले, लेकिन क्योंकि करने इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या उसमें। सबसे पहली है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए किसी के हकूक जो है वो चंद लोगों ने सल्व करके रखे हुए हैं, डिवाइड नहीं हो रहे, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हकूक आ नहीं रहे, जबकि बाहर देखा जाए तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ पे अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है तो आप जो मर्जी नेशनलिटी हो, जो मर्जी रिलीजन हो, आपको इक्वल राइट्स वहाँ पे सबको मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्योंकि जिनकी मेजोरिटी है उनके पास कोई हकूक नहीं है, और उसमें भी जो अगर अक्सरियत की जो लोग एम्पावर्ड हैं या पावर में हैं, सब तो उन लोगों ने, चंद लोगों ने हकूक सलब किए हुए हैं 100% आबादी के, तो उसमें ये कहना कि जी 5% 10% 16% या 20% जो माइनॉरिटीज़ हैं या अकलियत है उसके हकूक सलब किए हुए हैं, तो मेरा तो यही क्वेश्चन होता है सबसे कि जो बाकी 80% मेजोरिटी है वो कितना इन्जॉय कर रही है? बहुत कम इंजॉय कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रायोरिटी उनको मिल जाती है, उनको इस सेंस में मिल जाती है कि ताल्लुकात की बेस के ऊपर मिल जाती है, एथनिक रीजन के हिसाब से मिल जाती है, डोमिसाइल की वजह से मिल जाती है, अदरवाइज शायद उनको भी ना मिले अगर उनके कोई ताल्लुकात ना हो या पैसे का इस्तेमाल ना हो। पैसे का इस्तेमाल होगा तो अकलियत को भी हकूक मिल जाएंगे और अक्सरियत को तो मिल ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। उसमें एक वजह जो है वो हमारी जो है वो जो इन डिस्क्रिमिनेशन इस सेंस में आती है कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि चंद लोग खा रहे हैं और सारा मुल्क बेचारा भूखा बैठा हुआ है, उसकी वजह से बाकी जो 16% या 20% की जो माइनॉरिटी है वो भी बेचारे टेंशन में है। दूसरी बात, हमारे अपने घरों की तालीम और तरबियत है कि हमारे बड़ों ने जो जो तरबियत देनी चाहिए थी हमें वो नहीं दी, कि हमारा हमसाया अगर किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है या हमारा इस तरफ का साथी जो है किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है या मेरा कोलीग किसी और मजहब से या किसी और एथनिक रीजन से ताल्लुक रखता है, तो मुझे उसके साथ क्या बिहेवियर रखना चाहिए? यही सिखाया गया है कि नाक और बहू चढ़ा दो, बस दैट्स ऑल, सिर्फ यही सिखाया गया विदाउट एनी रीजन। जब तक, जैसे आप अभी बता रही थी कि जैसे मतलब कभी पता लग जाए, ना पता लगे तो सारी जिंदगी गुजर जाती है दोस्ती में, लेकिन जब पता लगता है तो फौरन जो है वो डिफरेंसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ये तरबियत का असर है। जब आप एक जगह पे एक मुल्क में रहते हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मोहब्बत भी उसी तरीके के साथ होनी चाहिए। मोहब्बत जो है वो रिलीजन के साथ, हर बंदे को अपने अपने रिलीजन के साथ मोहब्बत तो ज़रूर है, डेफिनेटली मरकट भी जाते हैं इंसान सारे अपने मजहब के लिए, लेकिन हर मजहब का जो सबसे पहला असूल है वो हुकूकुल इबाद है। सबसे चाहे आप तौरात उठा के देख लें, जबूर, इंजील या कुरान पाक आप देख लें, आपको सबसे पहला जो दर्स है वो सबसे ज्यादा मुझसे मिलने वाला वो इंसानियत से मोहब्बत का है। इंसान से मोहब्बत का मतलब है कि आप अल्लाह से और खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं, हमें ये नहीं सिखाया जाता। जैसे डिफरेंस की बात हो रही है, आपने बताया कि यहाँ पे तो अक्सरियत को राइट्स नहीं मिलते तो माइनॉरिटीज को राइट्स कैसे मिलेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो अक्सरियत को बहुत हद तक राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, अक्सरियत लोगों उनकी कंट्री है और उनको बहुत हद तक राइट मिल रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को तो उनसे भी डाउन रखा जा रहा है। बाकी कंट्रीज़ में देख लिया जाए तो डिफरेंस नहीं है। क्रिश्चियन कंट्री में मुस्लिम वज़ीर आज़म या बना दिए जाते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं किया जाता। यहाँ पर क्यों वज़ीर आज़म या सदर कोई क्रिश्चियन नहीं बन सकता? चले वज़ीर आज़म सदर तो छोड़ें, किसी अच्छी हाई पोस्ट पर भी उनको उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, ये नाइंसाफ़ी के इंतहा ने। बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल में इसमें जो मैं सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं बात करूंगा, एज ए होल अकलियत की हम जितनी भी अकलियत हैं उनकी हम बात करेंगे, मेरे ख्याल में उसमें खुद अपना भी कसूर है, अकलियतों का अपना भी कसूर है। वो क्यों नहीं पढ़ते ज्यादा, एजुकेशन क्यों नहीं हासिल करते, और जब एजुकेशन हासिल करते हैं तो मुकाबले के इम्तिहानों में क्यों नहीं बैठते?
जबकि वो तो ओपन टू ऑल होता है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसमें, आप उसमें क्यों नहीं बैठते? डिस्टिंक्शन है। अब आप देखें, लॉयर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा नाम कमा रहे हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें दूसरे मजहब के भी, हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, और सब नाम वाले हैं, कमा रहे हैं, अपने अपने नाम को कैश कर रहे हैं वो लोग। कहने का ये मकसद है कि मेजोरिटी शायद हाथ खड़े कर दिए हैं इन्होंने अकलियत ने कि ठीक है जी, अब जब हमारे हकूक ही नहीं मिले तो हम पढ़े क्यों, या हम एजुकेशन क्यों हासिल करें जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये, मैं इसमें टोटल डिसएग्री करूँगा। हकूक हमेशा छीन के मिलते हैं, छीनने पड़ते हैं, हक ऐसे नहीं मिलता। अब छीनने का मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है वो असला उठा लें या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दें। कहने का ये मकसद है कि विद इन द फ्रेम, एक सरकमफ्रेंस में रहते हुए, एक हदूद में रहते हुए, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना बुरी बात नहीं है। वो हम भी कर रहे हैं। मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते भी, पाकिस्तानी होने के नाते भी मुझे मेरा हक मुझे नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए। अगर मुझे नहीं मिल रहा विद ऑल ड्यू जो है रिसोर्सेज के, तो जिन लोगों ने वैसे ही हाथ खड़े कर दिए अपने कि ठीक है यार सामने लबने कुछ नहीं, तो उनका क्या होगा? वो तो ऑलरेडी निगलेक्टेड है, ना कानून मिलेगा उनको, ना इंसाफ मिलेगा, ना एजुकेशन मिलेगी, ना रास्ता मिलेगा, और ना उनको उनका हक मिलेगा। तो हक के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल में एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए आपने, एमटीवी ने जिस तरीके के साथ ये एक सफर शुरू किया है, मेरे ख्याल में एक हारमोनी के लिए और बैनुल मज़ाहब हमांगी के लिए, मोहब्बत और भाईचारे के लिए आप लोगों को कुछ ऐसे काम करने चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम्स को लेके चलना चाहिए कि जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का बायस बने। और मेरे ख्याल में जो प्रोजेक्ट आपने ये शुरू किया, चैनल शुरू किया, वो आपको इंशाल्लाह इसमें कामयाबी जो है वो मुझे मिलेगी। आई एम वेरी मच होपफुल, मेरी सर्विसेज जो है वो आपके लिए जो है वो इंशाल्लाह हाजिर हैं। मैं किसी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा हूँ। उसमें कोई भी मजहब हो, कोई भी कम्युनिटी हो, मेरे लिए सब मेरे सारा आंखों पे ऊपर हैं। थैंक यू सो मच, ये तो आपकी सोच है, और लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ एजुकेशन को लेकर। अब अगर देखा जाए, हाँ एक टाइम था कभी किसी दौर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एजुकेशन के मैदान में भी अकलियतें भी बहुत आगे हैं, लेकिन एज अ अकलियतें, हर जगह की मैं बात नहीं करती, लेकिन कुछ जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर एज अ मिनॉरिटीज उनको पीछे कर दिया जाता है और उनको आगे आने नहीं दिया जाता। अब आप मेरी बात, अब देखिए कि अगर प्रेसिडेंट की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं कि आप जाके अप्लाई करें, कुछ करें, या किसी हाई पोस्ट पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कोई फिर उसमें क्या कर सकता है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी, उसमें असल में हाँ, आपने बात ये ठीक की है, बिल्कुल ठीक की है। होना चाहिए था, मेरे ख्याल में जो नहीं हुआ उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब शुरू से ये इस पाकिस्तान को बनाने की तहरीक स्टार्ट हुई, उसमें बहुत सारे मजहब के लोगों ने भी बड़ी दिल जमाई के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े जुनून के साथ हिस्सा लिया था एक आज़ादी में और पाकिस्तान को बनाने में, बहुत पार्ट अदा किया अपने, बड़ा मुस्बत रोल अदा किया अपनी कम्युनिटी, अपने अपनी कम्युनिटी के हिसाब से। सबसे पहली बात यह कि ये मुल्क हासिल किया गया था इस्लाम के नाम पर। दीन इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है, ये बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मजहब है। ये एक आफाकी मजहब है जो मुसलमानों का, वो हर एक के लिए है। और आपको ये पता है कि मुसलमान को ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो किसी के लिए कोई गलत सोचे, किसी के लिए गलत सोचे या किसी के लिए किसी का बुरा सोचे। हमारे यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो अलाउ नहीं है, इवन वो तो कादियानों के लिए भी नहीं है, लिखा गया है वो तो कानून में, आयन में भी लिखा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी क्योंकि 80-90% मुसलमानों की है, तो वो मुसलमानों का ही हक बनता है कि वो इन सीट्स के ऊपर आए आगे, जो लॉजिकल आंसर है इसका। हाँ, अगर आप मुझे आप ये बताइए कि इतने सालों में आज तक कभी किसी क्रिश्चियन ने या किसी हिंदू ने या किसी सिख ने आज तक अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो लेके तो सबमिट करवाए हैं इन इलेक्शंस में, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या प्रेसिडेंटशिप के लिए कभी किसी ने करवाए हैं? नहीं करवाए। भाई करवाएं तो सही, कोशिश तो करें, देखें फिर क्या उसका रिजल्ट मिलता है, क्या रिटर्न है। जब आप शुरू ही नहीं करेंगे किसी काम को तो वो तोड़ कैसे चढ़ेगा? लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करें, देखें तो शायद आगे से कोई रास्ता निकल भी आए। लेकिन क्योंकि डोमिनेशन जो है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम में भी आगे फिर सेक्ट्स हैं, तो उसमें भी आप देखें कि मुसलमानों में भी जो आगे आगे ब्रांचेज हैं उसमें भी एक खास ब्रांच के ही लोग आगे आते हैं,
باقی نہیں آ سکتے کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ ایک خاص فرقے کی ہے. تو مطلب بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, نہیں زیادہ کریں گے وہ پھر نیگیٹو ڈیبیٹ بن جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ حقوق اگر آپ کو گھر بیٹھ کے یا گھر سے باہر نکل کے آپ کی اپنی ڈومین میں مل رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہمیں ہارمنی کو سب سے زیادہ, جو آپس کی محبت ہے, جو بین المذاہب محبت ہے, اس کو ہمیں پروان چڑھانا پڑے گا, جو کہ اب نہیں ہے. اس کو بڑی پلاننگ, اور وہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ختم کی جا رہی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ختم کی جا رہی ہے, اور اس میں ہم سب لوگ جس کے ذمہ وار ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں اس میں, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں. اس طریقے کے ایشوز کو ریز کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کو تو ہوا دی جا رہی ہے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو ہوا نہیں دی جا رہی, اس کو نہیں پروان چڑھایا جا رہا. لیکن ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جی, اس کے لیے یہ کہ آپ سب سے پہلے ہر دیکھیں نا, ہر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یوتھ کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں, کیونکہ ان کے پاس سمجھنے کا اور کچھ کر گزرنے کا جو ہے نا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جب ایک ایج ایسی آتی ہے جس میں ہم سٹیٹک ہو جاتے ہیں, جو سوچ آ گئی ذہن میں اس کے بعد اس کو کہتے ہیں بس یہی فائنل ہے, جو مرضی ہو جائے. لیکن یوتھ کے پاس چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ کے ایویلویٹ کر کے اس راستے کو وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ فرام ٹوڈے, جوائن ہینڈس ود ایچ ادر. آپ اس کو, آپ کے پاس تو پلیٹ فارم بھی بہت زبردست ہے یار, اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, آپ اس کے اوپر وہ سب کام کر سکتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کیا جا سکتے. تو لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر, آپ اس یہاں سے اسٹارٹ کریں, آپ کمیونٹی کو ڈیولپ کریں, ہارمنائزڈ کمیونٹی کو ڈیولپ کریں, محبت والی ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ایسے ایونٹس کریٹ کریں جس میں ملٹیپل جو ہے وہ جو ریلیجنس کے لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے کچھ کریں, انٹرپرینرشپ کریں, آرٹ اینڈ اس کا ایگزیبیشن کو کریں, میٹنگس کریں, سیمینارس کریں, اور پریکٹیکل ہو. دیکھیں کوئی چیز کامیاب نہیں ہوگی جب تک اس میں انٹرپرینرشپ نہیں ہوگی. اب ٹائم جو ہے وہ مطلب وہی آتا ہے کہ سیمینارز کا نہیں ہے, سیمینار میں گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, وہ اپنے گھر چلا گیا, وہ اپنے گھر چلا گیا, فوٹو اتاری اخبار میں آ گئی, اینڈ دیٹس آل فنش. اصل جو کنسیپٹ تھا وہ زیرو ہے. میٹنگز ہوتی ہیں, اصل کنسیپٹ جو ہے وہ وہیں اس میں رہ جاتا ہے, فوٹو شوٹ ہوتے ہیں, اخباروں میں لگتے ہیں, خبریں آتی ہیں, واہ ہوتی ہے, اور چار دن بعد وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے. لیکن انٹرپرینرشپ میں اگر آپ جاتے ہیں, لوگوں کو امپاور کریں, ان کو پتہ لگے کہ یس وی کین ڈو, وی آر اینڈ وی کین ڈو, ہم کچھ ہیں, ہماری ہستی کچھ ہے. بیکم اے لیڈر, تعلیم بجانے والے نہیں, تعلیم مروانے والے بنے. یس, دیٹس اے پوائنٹ, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. لیکن چھپتا صاحب, یہ بریک کا ٹائم ہے, سو آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد. سو ناظرین, آپ کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی. ایم ٹی وی کے مقاصد: معاشرے سے عدم برداشت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنا, مسیحوں کے مسائل کی نہ صرف نشاندہی کرنا بلکہ ان کا حل تلاش کرنا, پاکستان کے آئین اور مسیحی قوانین کے بارے میں مسیحی قوم کو واش آؤٹ کرنا, پاکستان کے قیام, ترقی اور خوشحالی میں مسیحیوں کے کردار کا تجزیہ, اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا. ڈونٹ مس اٹ, 24 آورز اے ڈے, 7 ڈیز ان اے ویک, نان اسٹاپ براڈ کاسٹنگ اونلی آن ایم ٹی وی. تو دیکھنا نہ بھولیے.
नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले नजीब चुगताई से हम बात कर रहे थे इंटरफेथ हारमोनी की। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, असल में बस वो जितना उसमें तो था वो हो गया। अब देखना ये कि क्या हमने अब लकीरें पीटनी हैं या नई बुनियादें रखनी हैं। सबसे पहले तो हमें ये फैसला करना है कि लकीरें पीटने रहेंगे, अब लकीरें पीटते रहेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जब टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर हमारी जगह पर कोई और आ जाएगा, वो भी लकीरें पीटेगा। मेरी ज़ाती राय में ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं ये दावे से कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ के आपके सामने ऑन एयर बात कर रहा हूँ ये, और प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके कि हम अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो आपके साथ स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज़ को समझा, अंडरस्टैंड किया। एमटीवी आपका शुक्रगुजार है इस बात के लिए। और आप सबसे पहले ना, मीडिया में भी मीडिया में भी मिनॉरिटीज़ को निगलेक्ट किया जाता है, इसकी क्या वजह है? न्यूज़ उस तरह से मिनॉरिटीज़ की खबरें तक नहीं दी जाती। इसकी बड़ी ख़ास वजह है क्योंकि पैसे आप नहीं खर्च करते, खबर पैसों से लगती है, वो शक्ल से नहीं लगती। पाकिस्तान के मीडिया में खबर जो है वो पैसों के साथ लगती है, पैसे खर्च करें और खबर लगवाएं। लेकिन मीडिया को तो इश्यूज की जरूरत होती है। अगर कोई क्रिश्चियंस का इशू है या हिंदू किसी और मिनोरिटी का इशू है तो उनको तो जरूरत है कि वो न्यूज दें। देखें, वो इशू है और वो डिस्ट्रक्टिव है, उन्होंने डिस्ट्रक्शन के लिए पैसे लेने हैं और जो उनको दे रहे हैं वो खबरें भी लगा रहे हैं। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करते होंगे, जब हम अब देखें, चलें हम अच्छा काम करने जा रहे हैं कि हम सबसे पहला प्रोजेक्ट जब यूहानाबाद में स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को एम्पावर करते हैं, आए मिले हमारे साथ, हम उनको लेके चलते हैं, बताते हैं हम आपको कि ठीक है जी, मुसलमान और क्रिश्चन इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, रोज़गार हम डेवलप करते हैं, हम उनको देते हैं, करें काम, ये खबर आपको मीडिया में नहीं आएगी, सिर्फ एमटीवी पे चलेगी। बिल्कुल, तब तक नहीं यहाँ पे चलेगी जब तक हम बाकी मीडिया को पैसे नहीं देते। तो ये बाइस्ड मीडिया की बात जो मैं नहीं मानता, बाइस्ड नहीं होता, ये बिकाऊ मीडिया है बेसिकली, ये येलो जर्नलिज्म, ये प्योर जर्नलिज्म नहीं है, ये येलो जर्नलिज्म है और ये सिर्फ पैसे के साथ चलता है। इसकी एनर्जी और इसकी ताकत जो है वो सच नहीं है, इसकी एनर्जी और इसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ पैसा है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि जी मिनोरिटीज़ को इतना टाइम नहीं मिलता। मिनोरिटीज़ आज पैसे खर्च करने शुरू करें अपनी खबरें लगवाने के लिए, आपके पे खबरें लगी नहीं। लेकिन देखिए, मीडिया पर्सन तो चलें ये बातें अंडरस्टैंड करता है, एक आम इंसान इन बातों को कैसे अंडरस्टैंड, तो माइंड में यही बात, तो यही तो हम बताएंगे उनको सबको, एक आम आदमी को भी बताएंगे, छाबड़ी वाले को, कि तुम्हें तुम्हारा हक किस तरह मिलेगा, तुम्हारी खबर क्यों नहीं लगती, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास इतनी हुनर है, लेकिन तुम्हारा कसूर क्या है कि तुम क्रिश्चियन हो या तुम हिंदू हो या तुम सिख हो? नहीं, तुम पाकिस्तानी हो, सबसे पहले पाकिस्तानी है, और हमने सिर्फ पाकिस्तानियों को प्रमोट करना है, मजहब किसी के को प्रमोट नहीं करना है। येलो जर्नलिज्म तो है ही है, लेकिन हमारा मीडिया बाइस्ड भी है, मैं इस बात को जरूर कहूंगा। ठीक है, उसमें देखें, हम 100% तो कहीं भी कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है उसमें बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारी जगहों पर ये पॉकेट्स, जो बाइस्ड पॉकेट्स हैं वो मौजूद हों, लेकिन मेरा ذاتی تجربہ جو کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے, میں ذاتی تجربہ کہتا ہے کہ پیسہ ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے, سب کچھ پیسہ ہے, نو ڈاؤٹ, میں آپ کے اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں۔ آپ چکتائی صاحب, ہمارے ویورز کو, کوئی نیو جنریشن کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی, میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ آج کی جو اگر آپ نے باتیں سنی ہیں ساری, یہ جو پروگرام 45-50 منٹس کا جو ہوا ہے, آپ نے اگر یہ ساری باتیں سنی ہیں اور ان کو سمجھا بھی ہے, سننے میں اور سمجھنے میں بھی بہت فرق ہے, اگر آپ نے سمجھا ہے ان باتوں کو تو جوائن ہینڈز ود اس, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور زنجیر بنائیں اپنے ہاتھوں کی, اس میں محبت خلوص کا جذبہ سموئیں اور ایک نئے پاکستان کی, نئی دنیا کی اور ایک نئے جذبے کی بنیاد رکھیں۔ چکتائی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اتنی انفارمیٹیو باتیں ہمارے ویورس کو بتائیں, اور مجھے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, تھینک یو سو مچ۔ ویلکم, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ۔ جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نجیب چکتائی, جن سے ہم نے بہت کچھ جانا, بہت کچھ سیکھا, اور یقیناً اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, سو اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ اسی وقت ہم آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ۔